हमारा अगला टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए समझते हैं, मान लेते हैं ए और बी दो पॉइंट दिया गया है और इन दोनों का बीच जो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मान लेते हैं वो 50 मीटर है, लेकिन ए से बी तक पहुंचने का जो रास्ता यहां से जो दिया गया है वो रास्ता ये है और इस रास्ते की टोटल लंबाई यानी कि हम लिख सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ मान लेते हैं 200 मीटर है, ठीक है। तो अगर आदमी को ए से बी तक पहुंचना होगा तो सबसे पहले आदमी ए से चलना चालू करेगा और ए से चलते हुए वो कहां तक जाएगा, वो ए से चलते हुए बी तक पहुंचेगा, यानी ए से बी तक जाने में उसको पूरा पाथ का लंबाई कवर करना होगा। तो पूरे पाथ का जो लंबाई है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। लेकिन वास्तव में अगर ए और बी के बीच एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखा जाए तो वास्तव में वो कितना है, वो तो 50 मीटर है। ए और बी के बीच में जो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है, 50 मीटर। तो इस 50 मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एक और उदाहरण ले सकते हैं, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन करने वाला है और इसका रेडियस हम 7 मीटर मान लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ए जिस पॉइंट से मूव करना चालू किया है वो मूव करते करते दोबारा एकदम से उसी पॉइंट पे चला आए, तो हमने क्या देखा, हमारा इसका जो इनिशियल पोजीशन था वो भी ए था और इसका फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए है। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, इसलिए इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो होगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के केस में इसको पूरा रास्ता का लंबाई कवर करना पड़ा है जो कि 2πr होगा, यानी 2 × 22/7 × 7 होगा, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 44 मीटर। तो इनका जो इस कंडीशन में डिस्टेंस है वो 44 मीटर आएगा लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो आएगा। अब हमारा टॉपिक आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं स्पीड को डिफाइन किया गया है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जबकि वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आपने क्या देखा, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क मालूम है ना। अगर हम डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड देंगे तो स्पीड आएगा और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड देंगे तो वेलोसिटी आएगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कोई पार्टिकल ए पर है और उसे बी पर जाना है और ए से बी का टोटल डिस्टेंस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 14 मीटर है। मान लेते हैं इस सेमी सर्कुलर पाथ से इसको बी तक पहुंचना है, ठीक है, और ये भी मान लेते हैं पहुंचने में टोटल 10 सेकेंड का टाइम लगा है, है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पे आप ये देखते हैं कि इसका जो डिस्टेंस हुआ है ना, तो डिस्टेंस क्या हुआ, पाई आर, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया पाई आर 22/7 × इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7, मतलब 20 मीटर डिस्टेंस हुआ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 14 मीटर। शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो कितना, 14 मीटर। अब अगर हमें इसमें स्पीड निकालना है तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस कितना आया है, 22/10 यानी 2.2 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमारा वेलोसिटी निकालने के लिए आएगा तो होगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या आया है, 14/10 यानी 1.2
4 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट जब किसी पाथ से चल करके बी तक पहुंचा तो उस केस में स्पीड हमारा अलग आया और वेलोसिटी अलग आया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग थे। हम लोग इसमें यह देखेंगे कि जैसे कई सारे वर्ड्स यहाँ पे आएंगे, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो मान लेते हैं हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इन सभी शब्दों को देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो अगर हमें लिखा हुआ हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ एकदम से एक समान वेलोसिटी, यानी जिसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिक्स्ड वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जिसमें हमारे पास 1, 2, 3 ये तीन प्रकार के हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो, तो क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हर जगह का वेलोसिटी एक समान होता है ना, तो अगर बराबर बराबर टाइम इंटरवल में, यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा हो है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन इसके उल्टा अगर आ गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी बराबर बराबर टाइम इंटरवल है लेकिन बराबर बराबर टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग हो जाएगा, है ना, तो उस केस में हर जगह का जो वेलोसिटी है वो बदलते चला जाएगा और तब हम लोग बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एवरेज की बात किया जाए तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, जैसे 10 + 12 + 20 ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी 5 + 5 + 5, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42/15। तो ये जो मीटर पर सेकेंड रहेगा हम लोग इसको बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होगा। अगर मान लो एक शब्द आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो मोशन के हर एक पॉइंट का जो उसका वेलोसिटी होगा एकदम एक एक पॉइंट का, तो हर एक पॉइंट के वेलोसिटी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमारा अब टॉपिक है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि t1 टाइम जो कि 0 है में इसका स्पीड u है, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी है, और फिर कुछ टाइम के बाद यानी t2 टाइम पर इसका वेलोसिटी भी है। तो यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी और भी फाइनल वेलोसिटी है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस u। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की जाए तो हमें v माइनस u को टाइम से डिवाइड देना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों u से भी तक का जो टाइम इंटरवल है वो t आता है, तो इसलिए इसका फार्मूला हो जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, जो कि इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहलाएगा। आगे इसी में एक शब्द आता है रिटार्डेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो वेलोसिटी है चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या निगेटिव डायरेक्शन में हो, जब वेलोसिटी का हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो देखते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है ना,
जनरली अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा उसको हम लोग निगेटिव एक्सीलरेशन कहेंगे। तो जब ऐसा केस आएगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते चला जाएगा तो वैसे एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं ये ओरिजिन है और एक पार्टिकल है जो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे इसका स्पीड है -20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, हम दो केस यहाँ पर ले रहे हैं। इस बार यू हमने -50 मीटर पर सेकेंड दिया है और फिर हमने यहाँ पर जो भी है -10 मीटर पर सेकेंड दिया है। आप ध्यान से देखें, बताएं इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 20 होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 40। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ रहा है, तो इसलिए ये कहलाएगा कि ये एक्सीलरेशन में है। लेकिन यहाँ आप देखें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 50 और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 10। तो यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि कमते जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन होगा, ठीक है। इसको या तो बोलेंगे डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है ना।